हेलो एवरीवन, आठ कहानियों की जो सीरीज़ हमने चालू की है उसकी छठी कहानी अविवाहित के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। एंजॉय। मैंने मुड़कर देखा, मुझे 2-3 सेकंड्स लगे उसे पहचानने में। वो अमर था। हम दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े। अमर के साथ कोई और लड़का भी था। वो मेरे पास पहुंचकर बोला, अरे ध्रुव, पहचाना? हाँ यार, पहचान लिया। अमर, कैसे हो? मैं मस्त, तुम बताओ? हाँ, मैं भी बढ़िया। और ये तुम्हारे भाई हैं? हाँ, भाई ही समझो, सिकंदर नाम है, यहीं रहते हैं दिल्ली में। मैं तो इनके पास न्यू ईयर मनाने आया हूँ। तुम बताओ, ये बेटा है तुम्हारा? यार, शादी कर ली तुमने, बुलाया भी नहीं। हाँ, बेटा तो है, पर नहीं, शादी नहीं की, गोद लिया है। ओ अच्छा, बड़े चालाक निकले तुम तो। ऐसे बहुत क्यूट बच्चा है, नाम क्या है? मेरे बोलने से पहले विक्की बोल पड़ा, माई नेम इज़ विक्रांत, पापा मुझे विक्की बुलाते हैं। और अंकल, आपकी शादी हो गई है? मैं एकदम से विक्की को देखने लगा। कुछ कह पाता उससे पहले ही अमर हंसते हुए बोला, नहीं विक्की, अभी तो नहीं हुई, पर मार्च में है, अगले साल। तुम भी आना पापा के साथ, 21 मार्च डेट है, ओके? देखा पापा, अंकल भी शादी कर रहे हैं। मैंने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, विक्की चुप खड़े रहो, पापा को अंकल से बात करने दो। वो चुप हो गया। मैंने अमर से पूछा, और बताओ तुम्हारे दोस्त वीर का क्या हाल है? आ, वो है तो सही, पर बेचारा गेमोफोबिया से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। अब तो घर वालों को भी बता दिया है उसने, क्योंकि घर वाले बार बार शादी का कह रहे थे। अरे बेचारा, वेल क्या ही कह सकते हैं यार, सीमा ने सही नहीं किया था, ना उसके साथ ना मेरे साथ। तुम्हारे साथ उसने क्या किया? उसे नहीं पता था कि मैं सबके ब्लॉग पढ़ा करता था। उसका भी पढ़ा था मैंने, जिसमें उसने ऐसा कुछ लिखा था कि लड़कियों को तो प्रपोजल मिलते ही रहते हैं। उन्हीं में से एक मेरे पास पेंडिंग पड़ा था, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यार तुम ही बताओ, कौन लड़का किसी लड़की का ऑप्शन बनकर रहना चाहेगा? इवन दो बाद में उसने मुझे छोड़ा नहीं, पर वो ब्लॉग पढ़ने के बाद मेरा मन खराब हो चुका था, इसलिए 4th सेमेस्टर ख़त्म होते ही मैंने ब्रेकअप कर लिया था। हाँ, समझ सकता हूँ यार। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे वैसे भी कभी शादी करनी नहीं थी, फालतू में आगे मामला फंसता। अच्छा हुआ पहले ही खत्म हो गया, और शायद इस तरह उसे वीर का साथ ना देने की सज़ा भी मिल गई। वो तो ऊपर वाला ही जाने। खैर ये बताओ, रवि का पता चला तुम्हें या नहीं? रवि का क्या नहीं पता? अरे उसकी शादी थी 5 दिसंबर को, शादी वाले दिन ही बेचारे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अकेली औलाद था, और उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी यार, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरी ज़्यादा किसी से बात ही नहीं होती है। पहले व्हाट्सएप ग्रुप था, उससे तब भी थोड़ा बहुत पता चल जाता था। बहुत बुरा हुआ यार, पता नहीं भगवान किस हिसाब से लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। मैं भी यही सोच रहा था यार, कि भगवान ने जाने हम लोगों के लिए क्या ही लिख रखा है। अपने क्लास वालों को देखो, कोई शादी करना चाहता है तो उसे गेमोफोबिया है, जिसकी हो सकती है वो करना नहीं चाहता। एक की हो रही थी तो शादी वाले दिन मर गया, ना जाने मेरा क्या होगा। और वो मार्टिन बेचारा पिछले 5 साल से कोमा में है। ऐसे लोगों को देखो तो लगता है कि यार पता नहीं ऊपर वाले ने क्या ही किस्मत लिखी है, या कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, जिसने लिखा है बस वही जाने। खैर, अरे तुम्हारे दोस्त सिकंदर बोर हो रहे होंगे हम लोगों की बातों से। हम लोग भी किन बातों में लग गए। ये सुनकर सिकंदर बोला, नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, कोई पुराना दोस्त मिल जाए तो यही होता है यार, और हम लोगों की तो बात होती ही रहती है। अमर ने उसकी बात से इत्तेफाक रखते हुए कहा, हाँ यार, कॉलेज के बाद से आज मिले हो तुम तो, एलुमनाई मीट में भी नहीं आए थे। शॉप और उसके बाद विकी बस इसी में बिजी था यार। चलो फिर कभी एक रीयूनियन प्लान करेंगे, तब जरूर आना। हाँ, ज़रूर। हम लोगों ने 2-4 मिनट और बात करी। इन बातों में आपका, मारिया का, आबिद का, शिराज का जिक्र आया। विक्की भी बोर होकर आगे चलने के लिए कहने लगा। मुझे उसकी ज़िद से अपना बचपन याद आ गया, जब पापा अपने दोस्तों से बात करते थे और मैं बोर होकर उनसे ऐसे ही चलने की ज़िद करता था। उस वक्त मैंने भी अपने पापा की ही तरह अपने बच्चे की बात सुनी और अमर को बाय बोल दिया। हम लोग टहलने लगे। मुझे अमर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन विक्की फिर से शादी की बात करने लगा। मुझे भी एक पॉइंट मिल गया था उसे समझाने के लिए, तो मैंने कहा, हाँ तो मैं तुम्हें क्या समझा रहा था कि शादी सबकी नहीं होती है, ये तो बस किस्मत की बात है। जैसे मेरा एक क्लासमेट था वीर, और एक टीचर मोहित सर, उन्हें शादी का फोबिया यानी कि डर था, वो नहीं कर पाए। और अभी तुमने सुना, रवि की शादी वाले दिन उनकी मौत हो गई। अब बताओ, ये लोग तो चाहकर भी नहीं कर पाए, ये किस्मत नहीं तो और क्या है? हाँ ये किस्मत है पापा, पर उन्होंने कोशिश तो की। बिना कोशिश के किस्मत कह देना सही नहीं है। अरे बाप रे, तू ही कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई और ही बोल रहा है, ये तू नहीं बोल रहा है। बात मत टालो आप पापा, मेरी मर्जी मेरी किस्मत नहीं हो सकती क्या? वीर और मोहित सर का वो जो फोबिया है जो उनके दिमाग में है, और मेरा ये जो डिसीजन है ये भी तो मेरे दिमाग में है, तो उनका फोबिया किस्मत है और मेरा डिसीजन नहीं। अब इतना तो मुझे नहीं पता, पर डिसीजन बदले जा सकते हैं। हाँ तो डरों से भी लड़ा जा सकता है। वो अपने डरों से क्यों नहीं लड़े ये मुझे क्या पता, पर आप अपना डिसीजन क्यों नहीं बदल रहे हैं ये तो मुझे जानना है।
ओफो विकी, तुम्हें आइसक्रीम और चॉकलेट्स पसंद हैं लेकिन दाल चावल नहीं, तो क्या तुम अपनी ये चॉइस बदल सकते हो, अपनी पसंद नापसंद बदल सकते हो? हाँ, अगर आप कहो तो बदल दूंगा, खास तौर पर जब आप मुझे बताएंगे कि कोई चीज़ मेरे लिए फायदेमंद है। पर बेटा, शादी दाल चावल नहीं है, एग्जाम्पल तो आप ही ने दिया ना पापा। अच्छा ये छोड़ो, चलो लाल किला चलते हैं अब। मैंने बात फिर से टाल दी थी। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ये बातें अनकंफर्टेबल कर रही थी। हम लोग वहां से निकल कर लाल किला गए। मैंने लाल किला पहले भी देखा था पर कभी अंदर नहीं गया था। अब हम लोग अंदर गए और एक म्यूजियम में जाकर मुगलों के ज़माने की चीज़ें देखने लगे। विकी ने वहां जाकर शादी के बारे में कोई बात नहीं की, तो मैंने राहत की सांस ली कि चलो अब ये शायद भूल गया है। पूरे दिन हम लोग ऐसे ही घूमते रहे और फिर शाम में इंडिया गेट गए क्योंकि वो न्यू ईयर ईव थी। हम लोग एक तरफ आराम से बैठ गए। उस समय वहाँ काफ़ी भीड़ थी। विकी ने एक और इशारा करते हुए कहा, वो देखो पापा, कितनी अच्छी फैमिली लग रही है, काश हम लोगों की भी ऐसी फैमिली होती। हाँ, बहुत खूबसूरत परिवार है बेटा, पर ज़रूरी नहीं कि शादी हो तो ऐसा ही परिवार रहेगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी बीवी की डेथ हो गई तो उनका परिवार हमारे जैसा ही है। और बेटा, परिवार तो कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, मेरे लिए तो मेरा पूरा परिवार तुम ही हो, तो मुझे अपनी फैमिली नहीं समझते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पर लोगों के साथ जो हुआ वो उनकी किस्मत थी, पर आप अपने आप ही कुछ ना करके उसे किस्मत का नाम दे रहे हैं। ओह बेटा, मैं और नहीं समझा सकता तुमको, बस ये समझ लो कि मुझे शादी नहीं करनी थी और ना मैं करूँगा। अब इसे जो चाहे समझ लो, और आज के बाद इस बारे में मुझसे बात ना करना। तो आप मुझे वजह बता दो, फिर नहीं करूँगा बात। मैं बता चुका हूँ, कोई वजह नहीं है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैंने आपको बताया नहीं, पर रोहन चाचा दादा दादी से कह रहे थे कि आप शायद गे हो इसलिए शादी नहीं कर रहे। मैंने गे का मतलब भी देखा था नेट पर। विक्रांत, तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और मैं गे नहीं हूँ। आज के बाद तुम लोगों की बातें सुनकर नेट पर कुछ भी सर्च नहीं करोगे, समझे? लोग जो बोलते हैं बोलने दो, बस इतना याद रखो मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। उसकी बातें मुझे एंजाइटी दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन हालात में उससे क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ। क्या एक इंसान बिना किसी वजह के शादी ना करने का फैसला नहीं कर सकता? क्या ये बात इतनी अजीब है? क्या मैंने कुछ नामुमकिन कर लिया है? गलती विकी की भी नहीं है। जब आज तक मेरे अपने माँ बाप मेरे फैसले को नहीं समझ पाए तो एक छोटा बच्चा क्या समझेगा? मम्मी पापा की बातों का तो मैंने सही से जवाब भी नहीं दिया, जो चाहा कर लिया बस। उनको बहू देने के लिए तो बड़े भैया थे, पर विक्की तो माँ मांग रहा है, इसका क्या करूँ? 2019 ख़त्म होने वाला था और 2020 दस्तक देने वाला था। ये वो समय था जब मुझे आपका ख्याल आया कि काश आपसे बात कर पाता तो आप ज़रूर कुछ हल बताते। हल नहीं तो कम से कम कुछ ऐसा समझा तो देते जिससे मन हल्का हो जाता। न जाने आपने कैसे इतना वक्त बिना शादी के और लोगों के ताने सुनते गुजारा होगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने आज से पहले आपसे कभी ये नहीं पूछा। आज पूछना चाहता हूँ पर आप न जाने कहाँ चले गए हैं। सच कहूँ तो उस वक्त तो मन कर रहा था कि कोई ना कोई झूठी वजह बता ही दूँ, जैसे मैं गे हूँ, क्या मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन है मुझे, या किसी से प्यार था वो नहीं मिली इसलिए नहीं कर रहा। यही तो सुनना चाहता है ना विकी, और हर वो इंसान जिसको जानना है कि मैंने शादी क्यों नहीं की, क्योंकि बिना वजह शादी ना करना तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं तो वही बोलूँगा जो सच है, चाहे कोई यकीन करे या ना करे। मुझे बस अपने बेटे की फिक्र है कि वो मेरे बारे में गलत ना सोचे, क्योंकि मुझे पता है कल को उसे यह भी लग सकता है कि मैंने जैसे शादी नहीं की वैसे ही उसकी भी नहीं होने दूंगा। भड़काने वालों की कमी थोड़ी है हमारे समाज में। गुस्सा आ रहा है सोच सोच कर। जब मैं ये ब्लॉग लिखने बैठा हूँ, विक्की मुझसे अभी तक कुछ ना कुछ पूछ रहा है। बच्चों के सवाल तो बड़ों से भी ज़्यादा डायरेक्ट और ख़तरनाक होते हैं। फिलहाल अगर आप ये ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए और बताइए मैं क्या करूं, और अपने बारे में भी बताइए कि कैसे जी आपने ये ज़िंदगी बेहुदा तानों के साथ, और अभी आप कहाँ हैं, कब मिलेंगे हम लोग उसे। ध्रुव ब्लॉग लिखकर उठा और विक्रांत के पास जाकर सो गया। लिखते लिखते उसकी आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि उसे इन सवालों की उम्मीद अपने बेटे से बिल्कुल नहीं थी। ये सवाल समाज ने भी करे थे पर ध्रुव ने वो कभी सुने नहीं। लेकिन अब उन सवालों का स्रोत बदल गया था। अब ऐसा स्रोत था जिसके वो सवाल अनसुने नहीं कर सकता था। ध्रुव एक समझदार इंसान था, पर शायद वो ये भूल गया था कि किस्मत में जो होता है वो मिलकर ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लो। 4 जनवरी को वो दोनों घर वापस आ गए। ध्रुव रोज ब्लॉग चेक कर रहा था कि शायद मोहित सर ने ब्लॉग देखा हो और कमेंट किया हो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक महीना ऐसे ही गुजर गया। एक दिन एक कमेंट आया, लेकिन वो मोहित का नहीं था। ध्रुव ने उम्मीद छोड़ ही दी थी। फिर फरवरी के दूसरे हफ्ते में जब उसने एक दिन ब्लॉग खोला तो 8 फरवरी का एक लंबा चौड़ा कमेंट पड़ा था। कैसे इंसान हो यार तुम, मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मेल आए पर मैंने किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था पर तुमने ऐसा पैतरा आजमाया कि मैं मजबूर हो गया।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बनवाया गया ब्लॉग मेरे लिए ऐसे इस्तेमाल होगा। और यार, कम से कम अपना फ़ोन नंबर तो दे देते कि मैं कॉल या मैसेज कर लेता। खैर, अब क्या बताऊँ क्या हुआ और मैं कहाँ चला गया। दरअसल जब मैं वहाँ था तो मुझे लोगों के ताने और मजाक सुनने को मिलते रहते थे कि शादी क्यों नहीं करते, ये परेशानी है या वो परेशानी है या क्या बात है। कुछ करीबी लोगों को मैंने बताया भी कि मुझे गैमोफोबिया है और मैं लाज नहीं करा पाया, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगा था वो समझेंगे, पर उनकी नज़र में ये फोबिया वोबिया कुछ नहीं होता, दिमाग का वहम है बस। उनका कहना है कि शादी कर लो, सब डर निकल जाएगा। उन लोगों को लगता था कि मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए बहाना बना रहा हूँ। हमारे देश में मेंटल इश्यूज को हवा समझा जाता है। बेटा ध्रुव, मेरे पास तो वजह थी, तब किसी ने नहीं समझा। तुम तो बिना वजह शादी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कोई क्या समझेगा? ये भूल जाओ कि विक्की के सवाल कभी खत्म होंगे, तुम्हें इनके साथ ही जीना है, आदत डाल लो। बात रही कि मैं कहाँ चला गया, तो उसका जवाब यह है कि इन सारी चीज़ों की वजह से मैं काफ़ी पहले से ही कहीं बाहर देश जाने की सोच रहा था। शायद तुम लोगों को नहीं पता था, पर मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। जब तुम लोगों का बैच पास आउट हुआ, उसी साल मैं भी चीन चला आया। वहाँ के हुआंगयांग शहर में मैं योगा सिखाने लगा। मैं एक सुकून की ज़िंदगी जी रहा था, मगर फिर वहाँ कोई कोरोना वायरस फैलने लगा, महामारी जैसा माहौल होने लगा। 23 जनवरी को यहाँ कुछ दूर एक शहर है वुहान, वहाँ लॉकडाउन कर दिया गया। तो मैं समझ गया कि वहाँ हुआ है तो होगा यहाँ भी, इसलिए मैं भारत वापस आ गया। और जैसा मैंने सोचा था वही हुआ, वुहान के बाद पूरे हुबे स्टेट में लॉकडाउन हो गया। हालांकि अब तो भारत में भी 3-4 केसेस हो गए हैं। चलो खैर, तुम अपना नंबर दे दो, फिर किसी दिन मिलता हूँ। तो ये थी आज की कहानी अविवाहित। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अब हम मुलाकात करेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।